ஒரு अगर इस कैच की वीडियो चाहिए आपको बस तो मेरा एक कैच ड्रॉप करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई आज का जो मैच है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है। जो आज का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट का मैच मैंने पहले कभी भी नहीं खेला, आज फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। और ये है 40 ओवर मैच यानी फुल डे मैच है। और अगेंस्ट टीम आए हैं शाहान प्लेस क्रिकेट अगेन। और पिच की कंडीशन आप देख सकते हैं, पिच मेरे हिसाब से जो है ये एक बैटिंग पिच है क्योंकि हार्ड सरफेस है काफ़ी, कहीं से भी जो है वो सॉफ्टनेस नहीं है इसमें। तो ये बैटिंग पिच होगी और बैट्समैन को यहाँ एडवांटेज ये है कि बाउंड्रीज भी जो है ना थोड़ी सी लेग स्टंप की शॉर्ट है दोनों साइड की, भले वो लेफ्टी हो या राइटी हो तो उसको थोड़ा एडवांटेज मिलता है। स्ट्रेट की बाउंड्रीज इनफ है लेकिन जो लेग स्टंप है फॉर लेफ्टी और राइटी बोथ वो बहुत थोड़ा मतलब मुनासिब है, मतलब ईजीली जो है यहाँ पर सिक्सेस लग सकते हैं। अच्छा, टॉस हो गया और दोनों कप्तान का यही डिसीजन था कि भाई टॉस जो भी जीतेगा वो बैटिंग करेगा, तो ये फैसला टॉस पे होना था और शायान टॉस जीत गया। शायान ने टॉस जीतते ही पहले बैटिंग का फैसला किया और हमारी टीम की है बॉलिंग। तो अब देखते हैं हम लोग कितने रन पे उनको स्ट्रिक करते हैं। तो भाई आज का मैच है अकीन शायान प्लेस क्रिकेट। तो कैसी टीम है हमारी? हमारी माशाल्लाह से इस बार बहुत तगड़ी टीम, बहुत तगड़ी, बहुत ज़्यादा। जो नाइट खेला था उससे ज़्यादा तगड़ी है, उससे कहीं ज़्यादा तगड़ी है। तो आज ये देखना है कि भाई शायान भाई बदला लेते हैं अपना नाइट मैच का या उम्मीद तो नहीं लग रही है क्योंकि मुझे नहीं लगता कहीं से वो जीत पाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे हम। चलो बेस्ट, लेट्स सी कि क्या होता है। 40 ओवर मैच है, 40 ओवर मैच। और क्या एक्सपेक्ट करो, कितना टारगेट होगा इसमें? यार मेरे हिसाब से जहाँ तक इसके व्लॉग देखता हूँ ना मैं, 235 234 ऐसे कुछ ऊपर जाते ही नहीं है। और आज तो हमारी बॉलिंग भी स्ट्रॉक है तो कोशिश करेंगे इससे कम में रोके इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और भैया आपके चैनल का मसला हल हुआ नहीं? हुआ नहीं ना यार, कहा नहीं हुआ अभी तक, वो अपलोड कर रहा हूं मैं, होता ही नहीं यार। देख लो कुछ हो सकता है तो यार। अभी मैच के बाद देख लूं मैं? नहीं तुम अभी देख लो, मैं अंदर करके देख लेना, मैं तुम बता देता हूं। अच्छा ये बताएं, 40 ओवर मैच आपने पहले करवाए? बहुत करवाए। अच्छा, क्लब क्रिकेट वगैरह में बहुत सारे मैचेस करवाए। आपके हिसाब से इस ग्राउंड में कितना होना चाहिए 40 ओवर में? 40 ओवर के मैच में कम से कम भी 240 प्लस होने चाहिए स्कोर, ताकि वो डिफेंड कर सके, ताकि वो डिफेंड कर सके। तो दो बॉल चलेंगी इसमें? जी दो बॉल चलेंगी, एक एंड से एक चलेगी, दूसरे एंड से दूसरी। चलें जबरदस्त, बेस्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ऑन है? हाँ ऑन। तो भाई ये क्या सीन है, आप हर जगह गेंस आए थे, कोई आप भी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, हम भी थोड़ी बहुत अच्छी खेलते हैं, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा। तो अजीब सी बात है कि व्लॉगिंग से पहले मैंने आपको आज तक हार्ड बॉल में नहीं देखा, जबकि आप भी हार्ड बॉल खेलते थे, मैं भी। और जब से हमने मतलब मैंने तुम्हारे व्लॉग देखना शुरू किया उसके बाद से अंजला भाई के साथ। हाँ अंजला भाई वो पहला वो था, तीसरा हो गया, कोई तीसरा चौथा हो गया, चौथा हो गया आज वो। और दो दो बिल्कुल मतलब बिल्कुल पता ही नहीं था कि आप अगेंस्ट आ जाओगे। हाँ 40 ओवर में कितने होंगे टारगेट? यार बॉलिंग ना हमारी बहुत अच्छी, स्पिन में बच्चे हैं सारे परहेड वाले हैं, लेकिन अच्छा कोई नहीं आया जिनको अच्छे बुलाए थे, एक दो कोई नहीं आया, सबको सुबह सुबह लंग इन्फेक्शन और क्या क्या हो गया। तो लेकिन क्या कहते हो 40 ओवर में कितने 250 अगर हमने कर लिए तो आप बना लेंगे। हाँ चलो बेस्ट है, बस 250 हो जाए, 250 तो अच्छा स्कोर है, 40 पूरे नहीं हुए मुझे पता। अच्छा लेट स्टार्ट हुआ, चलो सेट है, ओके। यार पहला ओवर बहुत ही तगड़ा किया उन्होंने और सिर्फ एक रन आया ओवर में और एक्सेलेंट बॉलिंग थी यार। गुड बॉल यार, गुड फील्डिंग बॉय, गुड फील्डिंग।
हाँ भाई व्हाट से कैसे बॉलर? वेरी गुड बॉलर। ये लेफ्ट आर्म तो बहुत तगड़ा है। फर्स्ट क्लास खेले हैं? मैंने सुना है फर्स्ट क्लास खेले हैं। बोले कराची मेरी बड़े बड़े लड़के ले आए बोल बड़े से। आ जाओ कासल इमरान खान भाई। हाँ बहुत अच्छा स्कोर हो गया। टेम्परामेंट आपके अंदर है ना उसके लिए खेलना और उसमें भी बीस ओवर हो गए और 20 ओवर में 147 रन है। शायान अभी तक क्रीज पे मौजूद है सुफियान के साथ और अभी सिर्फ एक ही आउट हुआ उनका और शायान बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है। अभी शायान के 50 रन हो गए और मतलब मैं कहूँगा अगर 40 ओवर के मैच के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बैटिंग है, बहुत अच्छा स्कोर है 147 रन। शुरू के अटैक बॉलर जो थे वो हमारे बहुत अच्छे थे, दोनों एक्सेलेंट बॉलिंग कर रहे थे। आफ्ताब भाई जो थे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, देखने में मज़ा आ रहा था, बनाना स्विंग भी मिल रहा था उनको। लेकिन ये कि शायान ने बहुत अच्छा गेम खेला और रोक रोक के सुकून से खेला। शायान की सेंचुरी हो गई भाई फाइनली, गुड नॉक। अब एक्सलेंट बैटिंग। तो 40 ओवर्स का मैच था और 285 रन का टारगेट मिला है और ये फर्स्ट मैच है मेरा 40 ओवर्स का और बैट्स कर लिए मैंने। आज ओपनर जाऊंगा, देखते हैं कितने रन बनाता हूँ। शायान ने जो है आज सेंचुरी मार के जो है वो एक टारगेट सेट कर दिया ज़बरदस्त, तो आज मुझे भी जो है वो एटलीस्ट 50 प्लस तो बनानी है रन। हमें थोड़ा स्लो खेलना है क्योंकि T20 नहीं है, अब T20 की आदत हुई है तेज़ गेम खेलने की। अब देखते हैं कि आज गेम रोक के खेल पाता हूँ या नहीं, तो लेट्स सी। क्यों 1-0 रखना है ना मुझे। अभी ओवर कर लिए तो फिर पिट पिट आ जाऊंगा ब्लॉग बंद कर। क्या जी कर रहे हो तुम? सीएल कट गया था। हां हां यार वो असल में मंगाया था बाहर दोस्त ने इंडोनेशिया, मैंने भाई एक मैच के लिए यूज किया था। बहुत टाइट बैट था यार, ये अलाउ नहीं है यहां पे बॉस। इधर भाई कंपायर को मैं बोला सर पे लगा रहे हो, कह रहे पैसे दो। अच्छा पैसे केसीसी वाले पे हैं। हां अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। 40 ओवर का मैच, 285 का टारगेट और बॉलर तगड़े, दो स्लिप लगाएंगे।
भाई के साथ और ये होगा बेट ऑन यस 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 वेट ऑन यस वेट ऑन वेट ऑन Yes. AK. हाँ भांजा है मेरा मामू है ना अबे नहीं ना भतीजा है फिर हम लोग पता नहीं शिरी से आरिश कालू बोलते हैं पता नहीं क्यों बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता आज तक कोई नया बैट चला रहा है भाई कालू बोल रहा है भाई तो कालू 40 ओवर में प्रेशर तो प्रेशर तो होता है जो बात है मैंने बहुत T20 खेले लेकिन 40 ओवर में जब 300 350 लगाते हैं ना ये बड़ा टारगेट है फर्स्ट बैटिंग में भी होता है सेकंड में भी कि आपने आज जब ओपन आया हो ना मैंने तो सिर्फ एक चीज सोची जब दो बॉल इन्होंने निकाली ना मैंने कहा सिर्फ इनको विकेट नहीं देना वो बहुत तगड़ा बॉलर हल्के बॉलर आएंगे सही वो एक ही था सबसे तगड़ा बॉलर बाकी वो दूसरा जो फास्ट बॉलर था वो भी एवरेज था अच्छा बॉल कर रहा है तेज आ रहा है बॉल अंदर हाँ इन स्विंग हो रहा है हल्का बहुत ज्यादा नहीं है हल्का बॉल What a catch! What a catch! What a catch! यार शायान, अगर इस कैच की वीडियो चाहिए आपको तो मेरा एक कैच ड्रॉप करना पड़ेगा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे मैं भी बॉलिंग देखते हुए ना यही सोच रहा हूँ बिल्कुल एक्शन मोहम्मद आमिर वाला है पर राइट आर्म है बॉलिंग अच्छी कर रहा गुड बॉल अबे उन्होंने तो क्या पांच लगाई थी हाँ पांच से लगा के कर रहे थे वो ये तो खाली जैसा ये तो हल्का है पहली पे आज नहीं रही बॉलिंग अच्छी कर रहा है तेज तेज है ऊपर आएगी जाओ अबे पहन लो अटैक तो राफे ऑन हैट्रिक राइट आर्म मोहम्मद आमिर स्टाइल गुड बॉल बॉल शाह अंजला वेरी वेल डन हाँ हम दोनों का अलग है हारिस अहमद ऑफिशियल के नाम मुझे मेरा नंबर तो वो मुझे लिंक भेज सही उनके पास है वो देखते हैं मेरी वीडियोस फरहान भाई हाँ अच्छा सही हाँ हाँ देखा है मैंने बहुत दफ़ा उल अबे मंगा लो भाई अगर है फुल डे का कोई ग्राउंड है तो बता भी सकते हैं मैच करा दूंगा अभी शायान से बात कर लेते अबे बने ही पांच रन है तू भी पेनल्टी लगा देखो तो वेट ऑन टूट गया ना वो परसों टूट गया ना बैट नहीं मेरे पास दो बैट है वो अभी चेंज किया इससे मैंने मेरा वो HS वाला सेट नहीं हो रहा यार ओह
Good boy. कौन सा चाप बहुत दूर थी नहीं, नहीं। दो कदम आगे था बस। हाँ तो फर्क होता है भाई, पहले आता ना थोड़ा सा। बीच में रुक गई थी आवाज। यार आपका डोमिसाइल पीआरसी बनाओ भाई, मुझे भेजना। पहले आता ना नहीं कहा तीन आउट होगा भाई, तीन आउट। वेट ऑन। वेट ऑन। बोली बोली बोली। बहुत आला मार, बहुत आला। सही है, शाबाश। अच्छा खेल रहे, अच्छी खेल रहे हो उनसे सब। पीना? क्या? पानी। आप यहाँ पे? पी लिया मैंने। सही है, ओके बैठ। चलो सही, सही है, मैं देखता हूँ वरना फिर ये गिरे पे इसकी स्लिप हो रही है थोड़ी। सही है, देखता हूँ मैं क्या स्कोर है। ले लो, लाया होगा। अच्छा आ गई थी अंदर जो बाहर, वरना आप तो बैठ गए थे नीचे, पक्के हो गए थे, वो पिच बाहर हो गया बस। सही, ऊपर भी नहीं थी। बहुत आला, आ सकते हो तो आ जाओ। सही है, आ जाओ आ जाओ। हाँ सारे कैच करवा दे तू भाई। बैकअप कवर मार दे ना, मरा ना था ना। यस 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 यस, चलो सही सही है भाई, गुड कॉल, सही है, गुड कॉल। क्लोज हो जाता है रन, सही है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। यस एक ही है। क्या कर रहे हो?
सिंगल है हाथ से रोक भाई। सही है इधर 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 पानी भी ले आना। नहीं स्टैमिना है भाई, खड़े रहते जूस वूस पीते सही खेलना था। चलो चलो खैर हो गया, मुझे पता नहीं है पीछे भाई। 13 ओवर में 51 रन थे और मैं 32 रन बना के आउट हो गया और टीम जो है वो काफ़ी मुश्किलात में, क्योंकि 5 आउट हो गए हैं अभी। 18 ओवर हो गए और 81 रन से 5 आउट हो गए, शैन भाई बाहर आ गए। मैं तो जा रहा हूँ घर, क्योंकि यार आपने जो है वो हमें 100 के अंदर ही जो है 5 आउट हो गए अभी और 81 और यार नो डाउट 40 ओवर की क्रिकेट खेलना ना कोई आसान बात नहीं है। 40 ओवर फील्डिंग करना, फिर 40 ओवर बैटिंग करना, 40 में चलो आप 20 ओवर भी सर्वाइव कर जाते हो तो भी जो है ना वो बहुत मुश्किल है। मैंने 30 ओवर बैटिंग की, 31st या 32nd में आउट हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस पूरा दिन बैटिंग की शायद मैंने, इतना थक गया था। बाकी मैंने अभी 12-14 ओवर किए हैं बैटिंग, लेकिन बाकी में भाई एक वो होता है, मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है बिल्कुल, जब खेलता है ना बंदा फिर उसको पता चलता है कि भाई क्या सीन है। फेसबुक पे उस पर बैठ के इतनी बातें करते हैं कि भाई क्या प्लेयर्स हैं, जब खेलोगे उनकी ट्रेनिंग वो बोलते हैं भाई उनका काम ही है दिन भर यही कर रहे हैं। भाई भले दिन भर ये कर रहे हैं लेकिन इस चीज़ के लिए एक स्टेमिना एक आपके पास होना चाहिए। क्या कहते हैं बिल्कुल जीरो हो गया बिल्कुल तो वैसे आप जीत जाओगे, दोनों भाई अटक गए, अच्छा खेल रहे हैं दोनों, आपने बहुत जल्दबाजी की, फालतू की जरूरत ही नहीं थी, 5 विकेटें 4 विकेटें गिरी हुई थी। सच बताऊं मुझे बिल्कुल ऐसी डाउन हो रही थी बैटरी, हाँ क्योंकि 30+ ओवर जो है फील्डिंग की है, उसके बाद बैटिंग में भी यार असल मसला पता है क्या हो रहा है, टी ट्वेंटी खेल लो ना, वो तो 90% में T20 खेल लो, लेकिन ऐसा सीन है कि GoPro लगा के बैटिंग करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हेलमेट बहुत हैवी हो रहा है, गर्दन में भी दर्द हो रहा है मेरे। नहीं ये बताओ इन लोगों को, ये नहीं यही तो ये कैसे समझाएं इनको, बीच में ना ये GoPro लगा के बैटिंग करना ना, मैं सच बता रहा हूँ बहुत मुश्किल काम है। मैं खाते 30-40 तक पहुंचा जैसे स्पिनर्स आए, मैंने कहा कि इस गर्मी में, हां मैं वही देख रहा था, आपने जब मैं 80s में आया मैंने कहा चलो अब सेंचुरी दिखाने के लिए, सेंचुरी दिखाने के लिए अब पहन लेते हैं GoPro, तो मैंने इसलिए पहना। सही बता रहा हूँ मैं, बाकी ये बहुत मुश्किल काम है GoPro के साथ बैटिंग करना वो, और ग्लासेस के साथ तो वो पूरा टुमटुकी हो रहा होता है, तो और मुश्किल हो जाता होगा, बाकी अजीब हो जाता है। चलो यार बेस्ट ऑफ लक भाई, ओके थैंक यू भाई, इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे, ओके डन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मैच में किसी और ग्राउंड में किसी और ओपोनेंट के साथ। और इसी तरह हमारा एक और आउट हो गया, 6 आउट हो गए और मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि ये मैच हम लोग ऑलमोस्ट हार गए, क्योंकि अभी तकरीबन 200+ रन हमें चाहिए और सिर्फ 4 विकेट बाकी हैं और एक बैट्समैन है, उसके बाद सारे जो है टेल एंडर्स ही हैं।